नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में देश भर के होम्योपैथिक के डॉक्टर एकत्र। मौका था रीवा के किरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित वर्कशॉप का, सेमिनार। इस दौरान अवार्ड समारोह भी आयोजित किया गया। हमारी टीम ने जिम्मेदारों से बात देखी। हमारी रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होम्योपैथिक का एक बड़ा शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर देश भर के 21 राज्यों के तमाम डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने रीवा की जनता को देखा, उनके परीक्षण किए, उनको उचित दवाइयां दी। अपने आप में इस तरीके का शिविर रीवा शहर में आयोजित होना एक काफ़ी बड़ी बात। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान होम्योपैथी ने करके दिखा दिया कि हमारी दवाई कोरोना पर पूरी तरीके से कारगर सिद्ध होगी। ये कुछ कहना था यहाँ के जो भी डॉक्टर थे, जो भी जिम्मेदार थे। हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना था, आज के आधुनिक युग में होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें किसी भी दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हम पूरी तरीके से मरीजों को ठीक कर देते हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, धैर्य की जरूरत है। जिस तरीके से रीवा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में डॉक्टरों का मेला लगा, ठीक उसी तरीके से रीवा शहर के लोग भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को डॉक्टरों से बताया, डॉक्टरों ने उनको उचित इलाज उपलब्ध कराया। यही नहीं, यहाँ पर उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई। किरण सेवा संस्थान का होम्योपैथी को लेकर एक बड़ा शिविर आप अपने स्क्रीन पर कुछ लोग को देख रहे होंगे, इनसे मैं बात करूंगा। रीवा में जिस तरीके से अभी तक सफेद शेरों के लिए रीवा पहचाना जाता था, क्या ये माना जाए भविष्य में होम्योपैथी के लिए बेहतर काम करने के लिए भी पहचाना जाएगा? यस, जरूर पहचाना जाएगा। पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार आ रहे हैं रीवा की धरती पे और शिविर में हजारों पेशेंट को देखते हैं। आपने पहले परिचय नहीं दिया, दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सीएल यादव, इंदौर से आया हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन इंदौर का प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश का सचिव हूँ और यहाँ पे पिछले 4 वर्षों से आता हूँ और शिविर में हजारों पेशेंट हमारे साथी लोग देखते हैं। और ये जो किरण सेवा संस्थान ट्रस्ट है, ये कई सालों से लगातार ये ऐसा काम कर रहा है और यहाँ तक कि रीवा के डॉक्टर का नाम लंदन तक फेमस हुआ है, जिसमें रीवा के डॉक्टर का नाम लंदन तक फेमस हुआ। डॉक्टर का नाम बताइए। डॉक्टर का नाम अभय मिश्रा जी है। जो अभय मिश्रा जी, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बताइए। मैं डॉक्टर बी एम प्रसाद और बिहार से हूँ। इसमें बीसी जर्मन होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर भी हूँ और फेडरल होम्योपैथिक एसोसिएशन का मैं सचिव भी हूँ बिहार का। मैं इस डॉक्टर अभय मिश्रा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और इस अवसर पर उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनके जो काम करने का जो तरीका है, जो जुनून है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सीखने की जो ललक है हर किसी से जानकारी लेने का, ये इनके अंदर कुट कुट कर भरा है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। बताइए। मैं फिरोज अख्तर, रेनोविजन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पटना से डायरेक्टर हूँ और किरण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जब से ये आयोजन हो रहा है तब से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए कंपनी स्पॉन्सर के रूप में और हमेशा होम्योपैथिक के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग आगे रहते हैं। डॉक्टर अभय का हम धन्यवाद। डॉक्टर अभय का धन्यवाद तो पूरा रीवा शहर दे रहा है। आप जैसे तमाम जिम्मेदार लोग आज रीवा की धरती पे मौजूद हैं, ये डॉक्टर अभय का साफ तौर से दिखाता है कि उनका किस तरीके से होम्योपैथी को लेकर रुझान है। हालांकि वो खुद डॉक्टर हैं, लगातार इस तरीके से मैं पूरे आयोजन पर हमारी नजर बनी रहेगी, जो भी ताजे अपडेट होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।